अस्सलामुअलैकुम। देखो मैं ब्लॉग डालती नहीं हूँ, मतलब जाते तो है नहीं वैसे भी, तो मैं इसलिए ज़्यादा ब्लॉग में इंटरेस्टेड ले भी नहीं रही हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि डाल दिया करूँ, भले ही कुछ भी हो। मैं ब्लॉग बनाती नहीं क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो। अब देखो मत देखो मैं तो डालूँगी ब्लॉग। तो अभी मैं घर में हूँ, वैसे तो कुछ करने रहता नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जब मैं जो घर में करती रहा करूँ वो दिखाती रहा करूँ। तो मैं ये काम बीच में आके ना मेरा मोबाइल गिरा देगा, मेरे को रिकॉर्ड करने नहीं देगा। हट सामने से, अरे हट सामने से। हाँ तो क्या देखोगे, पता ही नहीं देखोगे तो मैं खुद ही फिर भी बना बना डाल देती हूँ। तो मैं तकिए के कवर सिल रही हूँ, तो मैं वो दिखाती हूँ। ये एक हो गया है, बाकी की तीन और, ये बाकी की तीन है। ये भी कर ले। ये आया था अभी मेरे हमारे यहाँ पे बेडशीट वाला, तो उसने 200 रुपये में मेरे को डबल साइज की बेडशीट और दो तकिए के कवर उसने दिया। मतलब इसमें डबल साइज की बेडशीट, डबल साइज की और दो तकिए कवर है, और दो तकिए कवर मैंने अलग से खरीदी इसके मैचिंग मैचिंग में, तो 4 तकिए के कवर हो गए और एक बेडशीट हो गई। चलो वही दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। हाँ इतने दिनों से घर में हूँ, बैठे बैठे भी कंटाल गई। देखो मेरी हड्डी आ गई, दिख रहा है, मतलब मैं दुबली हो रही हूँ। बस ये है कि मैंने खाना छोड़ दी हूँ। अरे हटना टॉम, तुझे मेरे मोबाइल के सामने क्यों आगे खड़े होना है टॉम। हाँ तो मेरी बोली थी मैंने ना खाना छोड़ दी हूँ। दिन में मैं खाना नहीं खाती, सिर्फ रात को खाना खाती हूँ, वो भी आधा पेट, क्योंकि दिन में तो भूख बर्दाश्त हो जाती है, मगर सोने के टाइम पर मुझे भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती, मुझे नींद नहीं आती। अगर मेरे को भूख लग जाती है ना तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। अभी तकलीफ इस बात की है, बैटिंग की नहीं, ये तकिए की कवर की। ये तकिए जो है बहुत बड़े बड़े हैं और ये तकिए छोटे छोटे थे, तो चलो इसमें हो गया था। अभी बड़े वाले जो है ये आएंगे कि नहीं आएंगे वो पता नहीं, देखते हैं। पहले मैं इनको चढ़ा दी, देखो ऐसे, अभी इसको मैं टाके मार देती हूँ। उसने मेरे को 250 रुपये का बोला, एक चादर और दो तकिए के कवर, और मैंने उससे बार्गेन करके 200 रुपये में ले ली। अभी तो मुझे लेना नहीं था फिलहाल, लेकिन क्या करूँ, बहुत दिनों से मतलब लेना मैं चाह रही थी लेकिन ले नहीं पा रही थी, तो आज मैंने ले ली। और आप सुनो आप लोग क्या करते हो। खैर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे ब्लॉग कौन कौन देखता है कौन नहीं देखता है। कोई आया क्या रे? मेरे लास्ट व्लॉग में भी पता है कितने गए, सिर्फ 12। 2-3 तो मेरे खुद के ही देखे मेरे। कोई नहीं, होता है, सब इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी आ रहे हैं। आएगा एक वक्त जब हमारा भी कभी इंशाल्लाह जाएगा 1000-2 लाख पे। वैसे भी गरीबों को कौन देखता है, कोई गरीब को देखना पसंद करता है क्या? नहीं ना, कौन देखेगा, सब अमीरों को ही देखना पसंद करता है। सबको अमीर ही देखनी, अमीर का घर, अमीर की वीडियो, उन लोग का रहन सहन, उनकी कार, उनका घूमना फिरना, यही सब देखना लोगों को, गरीबों को कौन देखता है। अब गरीबों को भी देखना है उन लोगों को, तो कैसे गरीब देखेंगे मालूम है? जो एकदम डाउन गरीब है ना, एकदम डाउन, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन लोगों को देखेंगे। हमको, हम बीच वालों की तो कोई औकात है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हमको कोई देखना पसंद नहीं करता है। पता नहीं हमने क्या बिगाड़े लोगों का। कोई नहीं, तो ये दूसरा तकिया भी रेडी हो गया है। ये देखो अभी मैं निकालती हूँ इसमें से। ज़्यादातर मैं ईद के टाइम पे चादर वगैरह खरीदती थी, ऐसे नॉर्मली नहीं खरीदती थी, लेकिन अभी मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैंने पिछली ईद में भी मतलब कुछ खरीद नहीं पाई थी, तो मेरी जो चादर थी येलो वाली चादर मैं दोनों में डाली हूँ, तो वो मैंने अभी खरीदी थी, ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन ये वाली मेरे को बहुत पसंद आई, ये बहुत अच्छी है। 200 रुपये में मतलब बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये इसके कवर और ये चादर, ये साइड हिस्सा इसका, ये बीच का हिस्सा है, फिर ये साइड का हिस्सा है। अभी जब मैं इसको बिछाऊंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी, तो पहले मैं कवर सिल लेती हूँ फिर मैं इसको बिछाऊंगी। यार ये कवर, ये बड़ा है क्या छोटा है? अरे यार ये तो छोटे निकले, वो वाले बड़े थे, गलती हो गई। चलो फिर भी ट्राई मार के देखती हूँ जाता है कि नहीं जाता है।
एक तो चला जाएगा, दूसरा मुश्किल है। ऐसे कवर फटाफट इसके धागे टूट रहे, ये जो कवर लेते हैं ना हम लोग, इनके धागे बड़ी जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, आज तो मैं चढ़ा दे रही हूँ, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम से ना मेरे सास के घर पे ना मशीन रखी सिलाई मशीन, तो वहाँ जाके मैं इनको सबको सिल लूँगी अच्छे से। आज के लिए तो ठीक है, अभी नवे नवे हैं तो चढ़ा लो, बाद में देखो। ये तो चला गया, अब दूसरा वाला जो तकिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसको एक काम करती हूँ खोल के उसके अंदर से निकाल देती हूँ थोड़ा सा। ये मैं टाके इसलिए मार रही हूँ, तीन टाके मार रही हूँ ताकि मेरे को जब उसको धोना है, धोने के लिए निकालना पड़े, तो मैं उसके टाके खोल लूँ और उसको निकाल दूँ। वैसे मैं घर में दिन भर सोते रहती हूँ, रात को नींद आती नहीं है, तो आज तो मैं उठ गई हूँ, मतलब तो बड़ी कोशिशों के बाद मैं उठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इतने सारे सपने आते हैं ना, ऐसा लगता है सीजन चल रहा है, तो दिल करता है सपने पूरे कर लूँ, मतलब जो देख रही हूँ उसको तो पूरा करूँ, तो देखते रहते उठती नहीं हूँ मैं। लेकिन फिर भी आज कोशिश करके मैं उठ गई, क्योंकि पानी भी आया, तो पानी भरना था, पानी वानी भरी। अभी बज रहे हैं 2 बजने आ गए हैं, 2, सिर्फ आधा घंटा और मैं थोड़ा काम वाम करूँगी, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी। अभी मेरी जो घर की लाइफ है क्या है वो आप लोग भी देखो। चलो ये दूसरा भी हो गया तैयार, अब ये वाले की दिक्कत आएगी, ये वाले को मैं कैसे करूँ, तो बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा नीचे ढकती हूँ। मेरे घर में तो मेहमान भी नहीं आते हैं। हटना रे बीच में से टॉम, तुझे मोबाइल के सामने क्यों आना है बार बार? टॉम, हाँ तो मैं बोलती हूँ मेरे घर में तो मेहमान भी नहीं आते, इसके लिए मैं इतना सब ध्यान देती भी नहीं हूँ। अभी थोड़े दिन पहले घंटी आए थे, लेकिन मेरे घर में कुछ रहता ही नहीं है, मतलब पहले तो मैं रख देती थी, लेकिन अभी नहीं रखती थी, कोई आता नहीं। और दूसरी बात, मेरे बच्चे, बाप रे बाप, ऐसे शैतान है ना, कुछ भी रहेगा ना घर में, कुछ भी, तो कुछ छोड़ते नहीं है, सब खा पी के खत्म। तो फिर ऐसे घर में रखने का क्या फ़ायदा, जब मेहमानों के लिए कुछ बचे ही ना, बचना भी चाहिए ना मेहमानों के लिए, कुछ बचता ही नहीं है, सब खा जाते हैं। मेरी छोटी वाली तो आती है और उसे ढूंढती है कि खाने के लिए क्या है क्या है क्या है, और दिन भर अगर उसको घर में छोड़ दो तो वो दिन भर सिर्फ खाते रहेगी, चाहे कुछ भी मिल जाए उसको खाने के लिए, वो सिर्फ खाते रहती है। लेकिन फिर वैसे सूखे कांडी होते जा रही है, 2 साल पहले बहुत अच्छी थी, बॉडी में बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्दी थी, अभी तो वो उसकी आदी हो गई है, लेकिन वजन अच्छा है उसका, वजन अभी भी कम नहीं हुआ है, वजन पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है, दिखने में पतली हो गई है लेकिन वजन में कोई दिक्कत नहीं आई है उसको, क्योंकि लंबी हो रही है ना वो, इस वजह से। मैं डाइटिंग तो कर रही हूँ, भूख का तो मैंने कंट्रोल कर ली हूँ, मेरी दिक्कत सिर्फ इसी बात पे, इसी से हो रही है कि मेरे हाथ पर बहुत काँपते हैं, मतलब कमजोरी बहुत आती है मेरे को, तो मैं क्या करूँ, कुछ सोल्यूशन रहेगा किसी के पास तो बताना। मैं खाना तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि खाना खाने से ताकत तो आती है बट फैट भी बढ़ता है, और मैं बड़ी मुश्किलों से मैंने अपना 4 किलो वजन कम करी 2 महीने में, वो भी कम से कम एक्सरसाइज में, बाकी मैंने खाने पर कंट्रोल कर करके वजन कम करी हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं खाना खा के अपना वजन बढ़ाऊँ, तो दिक्कत इसी बात की कि बहुत हाथ पैर काँपते, बहुत ज़्यादा हाथ पैर ना काँपे, इसके लिए कुछ इलाज होगा किसी के पास तो बताना, ऐसी कोई चीज़ जिससे एनर्जी आए और खाना भी ना खाना पड़े, बस वो लेके हाथ पैर काँपना बंद हो जाए, मतलब ऐसे हाथ पैर काँपते कि मेरे बोलने की एनर्जी में भी मतलब कब कभी महसूस होती है कि मैं काँप रही हूँ, मतलब अंदर से मतलब शेकिंग हो रहा है। देखो मेरे तकिए के कवर तो रेडी हो गए हैं, अब मैं काम करती हूँ, फटाफट चादर बिछा के आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं छड़ावा ब्लॉग खत्म कर देती हूँ। हाँ ये भी हो गया रेडी, देखो अभी हमारा घर थोड़ा अच्छा दिखेगा। मैं सोचती हूँ कर लूँ काम कर लूँ, लेकिन मेरी बेटियाँ बड़ी बड़ी, दो डंगरी डंगरी बेटियाँ, अगर मैं काम कर लूँ तो उनको काम कौन सिखाएगा, फिर एक टाइम आएगा जब उनको कुछ सिखावा नहीं रहेगा, तो बोलने वाले बोलेंगे कैसे माँ बाप थे बच्चों को कुछ सिखाया भी नहीं, तकलीफ इसी बात की तकलीफ है, इसलिए सिखाना पड़ता है। मैं पैसे बचाने में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, इसके लिए मैंने ऑनलाइन ही मंगाई, क्योंकि ऑनलाइन बहुत महंगी है,
और ये जो आए थे भाई वो अच्छी, उन्होंने मेरे को अच्छी दे दी, मेरे को तो अच्छी लगी, थोड़ी टेढ़ी हो गई है लेकिन ठीक है। चलिए अब ठीक है, थक गई मैं। चलो देखो हो गया पूरा सेटअप, अब रखती हूँ मैं, अगर कुछ और शूट करती हूँ तो डालती हूँ, ये टॉम बार बार बीच में आ जाता है। चलो मिलती हूँ, बाय।